Sir, Honorable Speaker, sir. Sir, I need an answer, sir. So the answer is, sir, in the year 2021-22, 800 crores were allocated for Hyderabad Metro. 2022 and 23, 500 crores were allocated. 23-24, sir, 2,427.35 was allocated. 24-25, 1,100 was allocated. Out of that, 500 was allocated for Old City. Sir, in all these years, allocations were made, but not a single paisa was released. हाँ, ये अलग बात है कि एलएनटी के लॉसेस के लिए पैसा दिया गया था सर. दे रिलीज द अमाउंट फॉर द लॉसेस ऑफ एलएनटी सर, बट द अमाउंट वाज नेवर रिलीज फॉर द होल सिटी सर. सर नाउ आल्सो सर 24-25, 1,100 इन दिस 500 इज फॉर होल सिटी सर, 100 फॉर एयरपोर्ट सर, फिर वो सर्वे अरवे 100 एचएमआर के लिए दिए सर. नाउ माई क्वेश्चन सर, सर एवरीबडी we had a foundation stone ceremony, sir. Honorable CM Saab had laid the foundation. I thank him very much for laying of the foundation, sir. It is a welcome move. But the question which needs to be answered is, who is going to execute the work? Who has been allotted with the work? Who has been asked to complete the work? Who has been asked to collect the ticket amount after laying of that corridor? Who's going to maintain that line? None? No? My friends from Congress were upset and angry also. Mr. Akbar, you never attended the Old City Foundation Stone. Yes, I say now, I didn't attend. The reason behind is that there was no agency which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? Kya ye insaaf hai? Kya ye insaaf hai purane shahar ke saath? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है. एलएनटी सेज के वॉट एवर अमाउंट वॉज गिवन टू मी वॉज अप्रूव फॉर द कॉरिडोर्स. आई हैव ऑलरेडी स्पेंड दैट अमाउंट. आई डू नॉट हैव द अमाउंट. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर. सो द क्वेश्चन अराइजेस के हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर. वाई हैज इट बीन लेड? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा सर? ये सही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि दिस विल बी करेक्टेड एंड इमीडिएटली ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट. अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का जरूरी नहीं है. अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूं. 10 साल गलत दोस्ती करने के वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया. अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी. दिस इज़ नॉट ओल्ड सिटी, this is original city. Hyderabad is our original city. Magar mera dost ko main ye yaad dilana chahta hu, Hyderabad metro jo bhi aaye, pichle sarkar jab Rajasekhar Reddy ji mukhyamantri tha, jo bhais hua assembly mein, uske baad jo decision liye, jo tender bulwaye, usme Mehta's company kaise fail ho gaye, uske aage dobara kaise tender hua, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ. मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है. राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान
Jaipal Reddy ji, Urban Development Minister. उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में यू वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया। राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 करोड़ ही हैज गिवन। दैट इज हाउ वी हैव गॉट हैदराबाद मेट्रो। सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था 75 किलोमीटर्स में एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की। गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर अग्रीमेंट में है। उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उन्होंने, उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाए। मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे वो लोग एलएनटी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराने शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रयान गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एलएनटी से बात किए। मगर एलएनटी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे, मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एलएनटी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर्स बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते, मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बस किस्मत ही है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गए, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को, 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। अब जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के जो नागोल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागोल से एलबी नगर, एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रयान गुट्टा, चंद्रयान गुट्टा से लेकर पी सेवन रोड से सीधा सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से
चांद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा, फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हैत नगर तक दिए, और हम लोग चंद्रा अपना चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से बीएचएल रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर मिनी जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन किए, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिला है तो 78 किलोमीटर फेज टू, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर, इसीलिए जॉइंट वेंचर जेवी मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर वन, द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं।